Dear students, today I am going to solve some problem of exercise 7A and I think you have also solved some problem. Then here is question number 24. Question number 24. 3/4 into 7x-1 minus 2x minus 1 minus x/2 is equal to x+3/2. यहां ब्रैकेट नहीं दिया था, मैं ब्रैकेट यहां लगाया, यहां भी ब्रैकेट लगाया, इसलिए कि यहां देख रहे हैं माइनस है। अगर आप ब्रैकेट पुट नहीं करते हैं तो आप सॉल्व करने में गलती जरूर करेंगे, इसलिए अगर ऐसे क्वेश्चन दिए गए हैं तो यहां ब्रैकेट हम लोग लगा लेंगे, क्योंकि ब्रैकेट ओपन करते समय ब्रैकेट के अंदर जो नंबर्स होते हैं उनकी साइन चेंज हो जाती है। सो वी मे राइट इट 3 × 7x-1/4 माइनस, इसके अपान हम कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, इट विल बी 4x-1-x एंड हियर विल बी, यहां भी अपान वन कर लेंगे, (2x+3/2) इसको सॉल्व करें, 3/7 (21x-3/4) - 4x, ब्रैकेट ओपन करेंगे, नंबर का साइन चेंज होगा, जैसे प्लस वन है तो माइनस वन और ये माइनस एक्स है तो प्लस एक्स, -1+x/2 एंड 2x+3/2 ओपन करें, 21x-3/4 - 4x+1x (5x) - 1/2 इज इक्वल टू 2x+3/2 नाउ वी विल टेक एलसीएम ऑफ 4 एंड 2 एंड इट विल बी 4 21x-3 - 2 × ये डिवाइड करेंगे, 2 से 4 को 2 होगा, 2 × 5x - 1 इज इक्वल टू 2x+3/2 ओपन करें, 2 का मल्टीप्लाई करके इस ब्रैकेट को, 21x-3 - 10x+2/4 एंड हियर विल बी 2x+3/2 इसको आप चाहें तो 2 × 1 = 2 और 2 × 2 = 2 कैंसिल कर सकते, और 2 का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 21x-10x (11x-1) इज इक्वल टू 4x+6 1 को ट्रांसफर कर ट्रांसपोज करें राइट हैंड साइड में और 4x को लेफ्ट हैंड साइड में, इट विल बी 11x-4x+7 हियर विल बी 7x इज इक्वल टू 7 देयरफॉर x इक्वल टू
7 अपॉन 7 इज इक्वल टू 1, दैट इज योर आंसर। और अब इस आंसर को x की वैल्यू को अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं और फिर राइट हैंड साइड में रखते हैं तो दोनों तरफ इक्वल वैल्यू आनी चाहिए, जैसा कि कल हम लोग वेरीफाई कर रहे थे। और इक्वल वैल्यू आती है देन आवर सॉल्यूशन इज करेक्ट, अदरवाइज आवर सॉल्यूशन इज रॉन्ग। टेक वन मोर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31, x प्लस 2 अपान x माइनस 2 इज इक्वल टू 7/3 बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 7x माइनस 14 इज इक्वल टू 3x प्लस 6 ट्रांसपोज वेरिएबल ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड कॉन्स्टेंट ऑन राइट हैंड साइड, देन इट विल बी 7x माइनस 3x इज इक्वल टू 6 प्लस 14, इट विल बी 4x एंड इट विल बी 20, देयरफॉर x इक्वल टू 20 अपॉन 4 इज इक्वल टू 5 means x equal to 5, that is your answer। ये आपका answer हुआ। अगर check करना चाहे आप तो 5 plus 2 7 and 5 minus 2 3, it is equal to right hand side। Thus I hope you will solve all the problems। आप exercise 7 है and now I am going to solve some problems of 7b। दिस इज वर्ड प्रॉब्लम और 7b में हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वर्ड प्रॉब्लम का, अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के समझ लेते हैं तो आपको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन अगर आप क्वेश्चन समझ नहीं पाते हैं तो फिर प्रॉब्लम होगा। इसलिए क्वेश्चन को 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम इसको केयरफुली पढ़ें और केयरफुली अगर क्वेश्चन पढ़ेंगे आप तो आई थिंक यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से ही स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 7b, हियर 7b, 7b ट्वाइस ए नंबर व्हेन डिक्रीज्ड बाय 7 gives 45, find the number। Twice a number when decreased by 7 gives 45, what is the number? Let the number be x, let the number be x, number be x, so twice the number, twice the number equal to 2x, and according to problem when twice a number is decreased by 7, according to problem2x minus 7 is equal to 40, transpose 7 on right hand side, it will be 2x is equal to 45 plus 7 is equal to 52, therefore x equal to 52 upon 2 is equal to 26, so therefore required number is
required number equal to 26 and check your answer. हम लोग अपना आंसर भी चेक कर सकते हैं. अगर 26 का ट्वाइस करेंगे तो 52 होगा, और 52 में से 7 अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 45 हो जाएगा. सो आवर आंसर इज करेक्ट. लेट अदर प्रॉब्लम. Question number 8. Two upon three of a number is less than the original number by 20. Then let the number be x. Let the number be x. And 2 upon 2 by 3 mein 2/3 of the number equal to is equal to 2 upon 3x. And it is less than the original number by 20. Therefore, according to problem ATP, x minus 2 upon 3x is equal to 20. By taking LCM 1 and 3, it will be 3x minus 2x is equal to 20. By cross multiplication, x equal to 60. So, our answer is 60. Check your answer. 2 upon 3 of the number means 2 upon 3 into 60 is equal to 40, and original number is 60, and when you subtract it you will get 20. Means original number is 20 greater than the 2/3 of the number. Thus you can solve some other problems like this. और आप इस तरह से और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. ये 7A कंप्लीट कर लेंगे, 7B के भी कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे, और जो क्वेश्चन नहीं आएंगे तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. थैंक यू.